अरे स्वागत कर रहे हैं ना, तीन महीने रुके सरकार गिरे देखिए, ये सरकार दो तीन महीने में ही गिर जाएगी। ये सरकार गिर जाएगी मतलब बिहार की नीतीश सरकार दो तीन महीने में गिर जाएगी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का। अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जनता के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों के सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया। रोड जा रहे हैं इसको उतना कर दियो सर, बहुत दिक्कत है जो है हम लोगों को अरे स्वागत कर रहे हैं रोजे सरकार गिरे इससे पहले लंबे समय बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव को राघोपुर में युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। राघोपुर में तेजस्वी यादव का विरोध कर युवाओं ने कहा कि उन्होंने कोरोना महामारी में अपने क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं ली। सर, चुनाव के बाद में कभी भी राघोपुर को देखने नहीं आते हैं। राघोपुर में कोरोना की इतनी बड़ी महामारी झेल रही थी, उस समय ये नहीं आए। अब दो महीने के बाद सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आए हैं और कुछ काम नहीं है इनका। एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर राघोपुर में उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ ये परिवार अपनी राजनीतिक चमकाती है राघोपुर। तेजस्वी का विरोध कर रहे युवक ने उस समय की याद दिलाई जब कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल और दवाओं के अभाव में लोगों की मौत हो रही थी। इसके अलावा तेजस्वी ने वैशाली जिला अंतर्गत कटाव स्थलों का दौरा कर क्षेत्रवासियों के साथ वस्तु स्थिति का निरीक्षण किया। तेजस्वी ने कहा कि बारिश शुरू होते ही बढ़ते जलस्तर के कारण खेतों में लहलहाती फसल और किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव के कारण गंगा में समा रही है। सरकार कटाव और बाढ़ राहत के नाम पर लूट मचाए हुए है। बिहार में सरकार गिरने के दावे में कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। कहीं ये विरोधियों द्वारा आरजेडी और कांग्रेस में टूट होने के दावे का जवाब तो नहीं है। वैशाली से उत्कर्ष सिंह के साथ संदीपानंद, बिहार तक। हम आपके साथ।